देखिए बड़े बड़े दुख की बात है, आज खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है, ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहां अपना उत्तर प्रदेश और कहां अपना देश घसीटा जा रहा है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूं सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करे। सर आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला, किसने कहा था? मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए ये वहां की मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा था, पर मुझे ये पता है इस घटना के बारे में जो आज आया है। और ये भी बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आ रही, ये सब बातें मीडिया में नहीं आ रही, ये तो मीडिया को भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, मिलाया हुआ है। चलिए देखिए बड़े बड़े दुख की बात है, आज खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है, ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहां अपना उत्तर प्रदेश और कहां अपना देश घसीटा जा रहा है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूं सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करे। सर आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला, किसने कहा था? मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए ये वहां की मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा था, पर मुझे ये पता है इस घटना के बारे में जो आज आया है। और ये भी बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आ रही, ये सब बातें मीडिया में नहीं आ रही, ये तो मीडिया को भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, मिलाया हुआ है। चलिए Thank you.